हेलो फ्रेंड, मदर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा दामन का डिजाइन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने दो कपड़ा ले लिया है यहाँ पे। एक हमारा सलवार का कपड़ा है और एक हमारा कुर्ती का कपड़ा है। हम दोनों कपड़े को सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। तो बड़े वाले ट्रायंगल बनाने के लिए जो हमने कपड़े लिया है फ्रेंड, इसकी जो हमने चौड़ाई लिया है वो 3.5 इंची लिया है, और हमने जो इसकी लंबाई लिया है वो 3.5 इंची लिया है। 3.5 इंची चौड़ा, 3.5 इंच लंबा, इस तरह से आप कपड़ा ले लेंगे। और हमने जो छोटे वाले ट्रायंगल बनाने के लिए जो कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच लिया है, और इसकी जो हमने लंबाई लिया वो भी 2.5 इंची लिया है। तो इस तरह से आप छोटे वाले ट्रायंगल के लिए 2.5 इंच लंबा, 2.5 इंच चौड़ा कपड़ा को ले लेंगे। और छोटे वाले ट्रायंगल जो भी बनेगा फ्रेंड, सब 2.5 इंची में बनेगा, और बड़े वाले ट्रायंगल जो हम बनाएंगे फ्रेंड वो 3.5 इंची में बनेगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल जो हम बनाएंगे फ्रेंड, वो कुर्ती का कपड़ा का भी बनेगा और सलवार का कपड़ा का भी बनेगा। और छोटे वाले ट्रायंगल जो भी हम बनाएंगे, सिर्फ सलवार का कपड़ा का बनेगा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को बना लेंगे। तो ट्रायंगल बनाने के लिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि यहाँ से हम सीधे सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे ट्रायंगल को बना लेंगे। तो हमने सारे ट्रायंगल बना लिया है, बड़े वाले भी और छोटे वाले भी, और हमने प्रेस भी लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल को ले लेंगे, और बड़े वाले ट्रायंगल लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल हम सलवार का इस तरह से रखेंगे, और दूसरी ट्रायंगल हम कुर्ती का लेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से हम रखेंगे, इस तरह से आप रखेंगे। फिर हम एक सलवार का ट्रायंगल लेंगे, बिल्कुल इस तरह से रखेंगे। फिर हम एक कुर्ती का ट्रायंगल लेंगे, बिल्कुल इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखते हुए पूरे ट्रायंगल को हम चले आएंगे, और बीच से सिलाई लगाकर हर एक ट्रायंगल को हम अटैच कर लेंगे, जो कि कच्चा सिलाई लगाएंगे फ्रेंड, फिर हम बाद में खोल लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि साइड से बिल्कुल हम सीधे कटिंग कर लेंगे। अब हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे। तो हमने कुर्ती का फ्रंट ले लिया है फ्रेंड, आप देख सकते हो, और ये हमारा दामन है और इधर चाक है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड कि चाक वाले साइड पे इस तरह से इंच टेप को रखेंगे, और इस तरह से इंच टेप को रखने के बाद 4 इंची पे इस तरह से आप निशान लगाएंगे। निशान को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम कुर्ती को ओपन करेंगे। हमने कुर्ती को ओपन कर लिया है, और बीच में हमने सेंटर क्रीच आयरन से अच्छे तरीके से बना लिया है। तो इसी तरह से सेंटर क्रीच आयरन से आप बना लेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने जो ट्रायंगल का पैच बनाया था, तो अब हम पैच को लेंगे। पैच को लेने के बाद हमारा जो ये सेंटर है फ्रेंड, आयरन से बनाया था, बिल्कुल इसी सेंटर पे इस तरह से हम पैच को रखेंगे। और पैच को इस तरह से रखने के बाद हम क्या करेंगे कि एक कच्चा सिलाई लगाकर सबसे पहले हम सेंटर में पैच को बैठा लेंगे। अब हम लैस को लेंगे। लैस को लेने के बाद इस तरह से लैस को रखेंगे बिल्कुल, और इस तरह से रखने के बाद बिल्कुल सिलाई लगाते हुए लैस को हम चले आएंगे। जब यहाँ पे आएंगे फ्रेंड तो लैस को नहीं काटनी है, इस चीज का आप ध्यान देंगे। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से यहाँ पे हम कर लेंगे पहले, और इस तरह से करने के बाद इस तरह से आप इसको मोड़ लेंगे बिल्कुल। इस तरह से आप कोन बना लेंगे यहाँ पे एकदम फिनिशिंग के साथ बिल्कुल, और इस तरह से करने के बाद फिर आप सिएंगे। इस तरह से घुमाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने जो 4 इंची पे नीचे में कटिंग किया था, तो बिल्कुल इस लैस को उसी कटिंग पे लाना है, और फिर हम सिलाई लगाते हुए लैस को लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम लैस को लगाएंगे। तो हमने दूसरी साइड भी लगा लिया है। अब मुझे क्या करनी है कि इस तरह से आप कर लेंगे,
और इस तरह से करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि फिर हम लैस को लेंगे, और लैस को लेने के बाद तकरीबन मुझे 1 इंची इस तरह से छोड़ देनी है, और फिर हम क्या करेंगे 1 इंची छोड़कर फिर हम इस तरह से लैस को लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम लैस को लगा लेंगे। तो हमने दूसरी साइड भी लैस को लगा लिया है और हमने कच्चा सिलाई भी खोल लिया है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि नीचे का मुझे पैच बनाना है, तो अब हम इसको रख देंगे और हम नीचे का पैच लेंगे। पैच बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुर्ती का कपड़ा लिया है और ये डबल है, आप देख सकते हो। तो हमने बराबर करके आयरन से अच्छे तरीके से फोल्ड कर दिया है, और हमने जो इसकी चौड़ाई लिया था फ्रेंड वो 4 इंची लिया था, और हमने जो इसकी लंबाई लिया है हमारा जितना दामन है हमने उतना ही लिया है। तो ये जो खुले वाले एरिया है इसको इस तरह से आप रख लेंगे। इसके बाद अब हम ट्रायंगल को लेंगे। ट्रायंगल को लेने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि ट्रायंगल को इस तरह से आप रखेंगे बिल्कुल, और इस तरह से रखने के बाद जब हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे फ्रेंड तो दूसरी ट्रायंगल को इस तरह से हम सटाकर बिल्कुल रखेंगे। और एक चीज का आप ध्यान देंगे फ्रेंड कि यहाँ पे फैल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम सटा हुआ होना चाहिए। इसी तरह से ट्रायंगल को हम पूरे पैच में बैठा लेंगे। और फ्रेंड यदि आपको अगर कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ में नहीं आता हो, तो प्लीज आप कॉमेंट जरूर करेंगे, हम हर एक कॉमेंट का रिप्लाई देते हैं। हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे। तो हमने कुर्ती का फ्रंट ले लिया है। कुर्ती का फ्रंट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमारा जितना भी दबाव है इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस तरह से पैच के ऊपर आप रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि लप पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पूरे पैच को हम बैठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम लैस को लेंगे। लैस लेने के बाद इस तरह से आप लैस को रखेंगे, और रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम लैस को सीधे लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हर एक ट्रायंगल पे मुझे एक एक मोती लगानी है, और जब हम इधर मोती जो हम लगाएंगे फ्रेंड तो बिल्कुल हरे वाले पे खाली हम मोती को लगाएंगे। तो हम मोती लगाकर दामन की फिनिशिंग दिखाते हैं। तो फ्रेंड हमने पूरे में मोती लगा लिया है, इससे दामन की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियोस को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।